नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं टेक्नो रिव्यू चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग भू नक्शा से नक्शा को डाउनलोड करेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट, पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे और जेपीजी से कन्वर्ट करके हम लोग उसको कैसे गूगल में ओवरलैप कर सकते हैं। आज हम लोग पूरा जो टॉपिक है उसको एक ही वीडियो में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप भू नक्शा में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो है आप अपना नक्शा जिस भी गांव का चूज करना हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा नक्शा जो है लंबाई में ज़्यादा है, मतलब ये पोर्ट्रेट है, और चौड़ाई में ज़्यादा रहता है, तो मतलब ये लैंडस्केप होता। तो हम लोग इसको रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और विलेज मैप प्रिंट में क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन जो आता है पेपर साइज, पेपर साइज में देखिए तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि A0 सबसे बड़ा साइज है, इसके बाद A1 है, इसके बाद A4 है। तो जैसा आपका ग्राम का जो साइज है उसके अनुसार जो है आप इसको चूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर नक्शा को क्लियर लाने के लिए बड़ा साइज के पेपर है सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी इस जो हमारा ग्राम है वर्तमान ग्राम, इसकी लंबाई जो है ज़्यादा है, तो इसको हम लोग पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लॉट नंबर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर बेस्ट फिट में क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारा नक्शा बेस्ट फिट हो। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो नक्शा जो प्लॉट नंबर प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसमें देखिए कुछ प्लॉट जो है छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जिसके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे इसमें देखिए ये, और यहाँ पर 222 के जो टुकड़े हैं उसमें प्लाट नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्केल में लोड हुआ है नक्शा। सबसे नीचे दिखाई दे रहा है 4000 के स्केल में हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, कस्टम करते हैं और 3500 में लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इससे नक्शा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। इसको आप अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि सेट हो। थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है इसको। ये देखिए लगभग लगभग हमारा पेज पूरा हो गया है और कुछ इसमें प्लाट नंबर भी दिखाई दे रहे हैं कि आ गए हैं। जैसे देखिए, लेकिन फिर भी पूरा नहीं आया है। चाहे तो हम लोग और इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक ही पेज में हो, क्योंकि इसको सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड में जो बटन, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो ग्राम का नाम है इसको हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, सेव कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर गूगल में टाइप करते हैं
कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी। और ऐसे हम लोग किसी भी वेबसाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा वेबसाइट है पीडीएफ टू जेपीजी डॉट नेट, क्योंकि इसमें आप जो है जो नक्शा का जो क्वालिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नक्शा को ओपन करेंगे, इसके बाद इस यहाँ पर हम लोग डीपीआई दे सकते हैं कि हमारा जो नक्शा क्वालिटी है क्या रहेगा। फिर यहाँ पर कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, इसमें क्रॉप में क्लिक करेंगे। हालांकि इसको हम लोग बाहर में क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉप करना थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। क्रॉप इमेज में क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारा पीडीएफ नक्शा डाउनलोड हो गया है पीडीएफ से जेपीजी कन्वर्ट होकर के। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ये कैसा क्वालिटी है। क्योंकि क्वालिटी स्मूथ नहीं आ रहा है, इस कारण हम लोग इसको दूसरी वेबसाइट से करेंगे। ये हमारा जेपीजी डाउनलोड हो गया है, फिर से इसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्वालिटी कुछ उससे अच्छा है। इसको हम नाम चेंज कर लेंगे ताकि हमारा पहचान हो जाए। इसके बाद आपको गूगल अर्थ इंस्टॉल करना है। यहाँ सर्च करेंगे गूगल अर्थ, यहाँ पर अर्थ वर्जन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर है गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको डाउनलोड अर्थ प्रो पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके हम लोग इसको सेटअप चलाएंगे। सेटअप चलाने के बाद जो है इसको हम लोग ओपन करते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा ग्राम है उसको सेव उसको सर्च करते हैं। में हमारा ग्राम यहाँ पर आ गया है। हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार के स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमको केवल नक्शा में जो रोड्स हैं और जो रूट्स हैं उसको हमको जानकारी होना चाहिए कि हमारा नक्शा में कहाँ पर कौन सा रोड जा रहा है और कौन सा रोड वो है। अब यहाँ से हम लोग ये जो चौथा ऑप्शन है ऐड इमेज ओवरले में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं जहाँ तक लगभग ये नक्शा जाएगा। इसके बाद ब्राउज में क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर के हमारा जो नक्शा डाउनलोड हुआ है JPEG कन्वर्ट किए हम लोग उसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ये हमारा नक्शा यहाँ पर आ गया है। अब इसको जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इसका कम कर देंगे ताकि हमारा जो प्लाट है वो दिखे। अब इसको रोड के अनुसार हम लोग सेट करेंगे। ये हमारा रोड दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये यहाँ पर भी रोड आया है, इसे दिखाई दे रहा है। ये रोड हमारा मैच कर रहा है, इससे माउस वहाँ देख पा रहे होंगे, ये रोड मैच कर रहा है। ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। बॉर्डर मिलान कर सकते हैं। ये टोटल अप्रोक्सीमेटली होता है, किसी प्रकार का हम लोग इसमें स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं। टोटल हम लोग विजुअल के आधार पर हम लोग करते हैं इसको। और क्या है, बहुत सारे जो खेत है उसको आधार मान के हम लोग करेंगे, जिससे ये हमारा देखिए ये दिखाई दे रहा है। ये लगभग सेट हो गया है यहाँ पर। इसके बाद चारों दिशाओं को हम लोग सेट करेंगे, चारों दिशाओं में लगभग प्लाट सेट हो जाए।
ये देखिए हमारा लगभग जो नक्शा है ये सेट हो चुका है। चूंकि अब लाइट भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा लगभग सेट हो जाए। ये 100% पूरी तरह सेट नहीं पाता है क्योंकि जो नक्शा बना है हमारा मैनुअल बना है और हमारा जो भी गूगल अर्थ है वो पूरी तरह से टेक्निकल है। फिर भी लगभग सेट हो जाता है। अभी हमारा नक्शा सेट हो गया है, हम लोग इसमें ओके में क्लिक करेंगे और इसके बाद जो यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके इसको सेव प्लेस एज में करके यहाँ पर हम लोग ग्राम का नाम दे देंगे। इसके बाद हम लोग उसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग किसी भी ग्राम का नक्शा जो है हम लोग सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।